नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कैनन प्रिंटर है, कैनन पिक्जमा जी सीरीज 2000। बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रिंटर है ये। इसमें हम प्रिंट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रिंट क्वालिटी दे रहा है ये। और इस प्रिंटर क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। अभी हम आपको इसके फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। ये प्रिंटर का अंदर का भाग है। इसे हम ऐसे ओपन करते हैं तो इसमें ये एक ब्लैक इंक का ये रिफिलिंग दी हुई है। यहाँ पे हम ब्लैक इंक डालते हैं इसको खोल के ओपन करके। जब हम इसमें ब्लैक इंक भरेंगे तब हम आपको बताएंगे। और इस तरफ ये डोर को ओपन करने पर ये तीन कलर की इंक इसमें भरी जाती है, सियान, मैजेंटा और येलो। इन तीनों को हम यहाँ से रिफिल कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत कम इंक बची हुई है, इसे हम बहुत जल्द इंक को फिल करेंगे इनमें। इसमें हमेशा ओरिजिनल इंक ही यूज करनी चाहिए क्योंकि इसके जो हेड है वो हमें ज़्यादा समय देगा और हेड हमेशा अच्छी क्वालिटी की प्रिंट देगा, नहीं तो हेड ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें आप डुप्लीकेट इंक यूज ना करें, ओरिजिनल इंक ही यूज करें। दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अन्य ब्रांड है उनके कंपेयरिंग में ये बहुत अच्छा है। प्रिंट स्पीड भी बहुत है, प्रिंट क्वालिटी भी बेहतर है। इसमें आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, कलर फ़ोटो, A4 साइज फ़ोटो, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। इस पर ये पूरे मेनू बटन्स दिए हुए हैं जिनसे आप इसको फुल कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ब्लैक कॉपी, कलर कॉपी के ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रिंट कमांड रोकने के लिए स्टॉप ऑप्शन वगैरह, पावर पावर बटन, ये सब दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिंटर कैनन G2000। इस प्रिंटर को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका मैं यूज कर चुका हूँ इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसे परचेज कर सकते हैं और हम कुछ ही समय बाद इसे रिफिलिंग करने वाले हैं। इसकी रिफिलिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार की इंक आप डाल सकते हैं, कैसे इसको रिफिल कर सकते हैं। इसका पूरा तरीका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।